स्वागत है, मैं हूं इमरान। खबर की शुरुआत करते हैं छतरपुर से। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी अरविंद वर्मा की यह खबर। आरटीओ ने की ई रिक्शा वालों पर चलानी कार्यवाही। छतरपुर आरटीओ विभाग ने बस स्टैंड पहुंचकर ई रिक्शा चालकों पर चालानी कार्यवाही की। हम आपको बता दें कि आरटीओ विभाग को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि बिना नंबर के और बिना रजिस्ट्रेशन के ई रिक्शा छतरपुर शहर में चल रहे हैं, जिसको लेकर आरटीओ विभाग ने बस स्टैंड पर पहुंचकर ई रिक्शा चालकों के कागजात चेक किए, जिसमें बिना नंबर के कई वाहन मिले। 13 ई रिक्शा को पकड़कर चालानी कार्यवाही की। साथ ही ई रिक्शा चालकों को समझाइश दी जा रही है कि सभी रिक्शा चालक अपने वाहनों के कागजात और गाड़ियों में नंबर डलवाए। अगर वाहन चालक नियमों का पालन नहीं करते हैं तो समय समय पर कार्यवाही की जाएगी। छतरपुर से MP7 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट अरविंद वर्मा। देखिए, मुख्यतः तो ये जो ऑटो रिक्शा के ऊपर कार्रवाई की गई है जो बिना नंबर के चल रहे थे, साथ ही साथ में जो ऐसे बसेज हैं जो कि शहर के बीच में जो व्यस्तम मार्ग हैं उनके बीच में बीच बीच में निर्धारित स्थल पर वाहन नहीं रोकते हैं और कहीं भी गाड़ी को रोकते हैं और सवारियों को चढ़ाते हैं और उतारते हैं, जो कि नियम विरुद्ध है। तो इसके लिए पूर्व में भी बस संचालकों की सभी की बैठक यहाँ पर आयोजित की गई थी, जिसमें उनको इस संबंध में सूचित किया गया था। कलेक्टर महोदय द्वारा भी इस संबंध में निर्देशित किया गया था, वो जानकारी भी उनको दी गई थी। और कुछ बस जो इस तरीके से चलती पाई गई हैं उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई जो है वो भी की गई है। और साथ ही साथ कुछ ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के लाइसेंस जो हैं वो निलंबित किए गए हैं और आगे ये कार्रवाई इसी तरीके से जारी रहेगी। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी बस चालकों से और जितने भी चालक परिचालक हैं उन सबसे यह अपील करना चाहूँगा कि आप बीच में निर्धारित स्थल के अलावा कहीं भी वाहन जो है ना रोकें, कि कृपया निर्धारित स्थल पर ही वाहन को रोकें और यदि बीच बीच में रोक के सवारियों को चढ़ाएंगे उतारेंगे तो उसमें आपके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी।